Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mock Zone MBA preparation. So guys, today's video is going to be extremely important for those preparing for SNAP 2022 exam, because in this video I am going to discuss one actual quant question from SNAP 2021 exam. So guys, जो December last में last December में exam था SNAP का last year, उसका हम एक actual question discuss करने वाले हैं quants का, geometry का. काफी अच्छा question है, मुझे लगता है कि ऐसा question CAT में भी शायद आ सकता है. Question lengthy नहीं है, अगर आप पढ़ लोगे तो क्वेश्चन रीड करने के बाद अगर क्लिक कर गया 5 सेकंड भी नहीं लगेगा क्वेश्चन करने. बट ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट कि आप प्रॉपर्टीज कितनी आपको अच्छे से आती है. तो इस क्वेश्चन से आपको काफी कुछ सीखने को मिलने वाला है. जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दो, लाइक करने से वीडियो बढ़ा जाएगा, काफी लोगों की हेल्प हो जाएगी. सब्सक्राइब जरूर कर दो, बिकॉज लगातार वीडियोज बन रहे हैं फॉर ऑल द एग्जाम्स, रीड एंड मैट, स्नैप, कैट, सी मैट, SRCC, GBO, जितने भी एग्जाम्स होते हैं गाइस एमपी के, सब पे हम लोग काम करते हैं. प्लस स्ट्रेटेजी बेस्ड वीडियोज एंड नोटिफिकेशन बेस्ड वीडियोज भी होते हैं. कर दो लाइक एंड सब्सक्राइब. चलो गाइस स्टार्ट करते हैं. गाइस हम लोग का स्नैप का टेलीग्राम ग्रुप, इसको आप जरूर ज्वाइन करना. यहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट होते रहते हैं. ठीक है, तो गाइस आपके सामने एक क्वेश्चन है. इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल यू क्यू वी. हमको बेसिकली इस एंगल की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, इसको थीटा मान लेते हैं हम लोग. हमें एक यू क्यू वी के एंगल निकालना है. ठीक है, ओ आपको दिया गया सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर सर्किल का, और पी क्यू आप पी आर आपका डायमीटर है. ठीक है, पी आर आपका डायमीटर है और वो सेंटर है. आपको दिया क्या गया है, आपको गिवन है यू ओ वी. आपको बेसिकली यू ओ वी गिवन है, यू ओ वी ये आपको गिवन है. ठीक है, इसकी वैल्यू है 60 डिग्री. आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है यू क्यू वी निकालना है. ठीक है, जैसे आप देख रहे हो कि आपने देखा कि पी आर डायमीटर है. आपको एक चीज याद आनी चाहिए, कुछ जब भी डायमीटर देखते हैं हम लोग और कॉर्ड देखते हैं, आपको एक प्रॉपर्टी याद आती होगी. कभी भी डायमीटर से कोई, अगर डायमीटर कोई अगर सबस्टेंड करता है एंगल सर्कमफ्रेंस से, तो वो क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है. क्योंकि ये आपका 180 होता है तो उसका हाफ होता है 90 डिग्री. वैसे एक फेमस प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है पूरे क्वेश्चन में, वो एक्चुअली ये उसी से ड्राइव हुआ है. कोई भी कॉर्ड जो होता है आपका, कोई कॉर्ड पी क्यू अगर सेंटर से एंगल बनाता है वो 2 थीटा, तो उसी सेगमेंट में सर्कमफ्रेंस से बनाएगा हाफ एंगल, चाहे यहां से हो, चाहे यहां से हो, चाहे यहां से हो, इन सबके एंगल होंगे थीटा थीटा. मतलब सेंटर पे जो एंगल बनाया है उसका हाफ एंगल बनाता है. ये प्रॉपर्टी होती है, ये लगने वाली है. तो गाइस ध्यान से आप देखो, ये 60 डिग्री है, ये यू है, ये भी है. हम कुछ कर सकते हैं ये कंस्ट्रक्शन, अगर हम यूवी को ज्वाइन कर दें, कॉर्ड बना दें ऐसे, यूवी अगर मैं ज्वाइन हो गया तो यू क्यू वी यू ओ वी मेरा क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया. ये दिया 60 डिग्री. अब यू वी कॉर्ड सेंटर से एंगल बना रहा है, और यही यू वी कॉर्ड कहाँ से एंगल बना रहा है, यहाँ से एंगल बना रहा है. अब ये 60 है तो सर्कमफ्रेंस से कितना एंगल होगा, 60 बाई 2 30, ये 30 हो गया. हमें निकालना है यू क्यू वी. ध्यान से देखो, पी यू आर जो आपका है ये 90 डिग्री है. अभी बताया मैंने सेंटर से ये डायमीटर बना रहा है, इससे एंगल पी यू आर जो ट्रायंगल है इसमें 90 होगा. ये 90 होगा, ये भी 90 होगा. गाइस ये एंगल 90 है, ये एंगल 30 है, ये कितना बचा, ये ट्रायंगल देखो आप. आपको कौन सा ट्रायंगल देखना है, आपको देखना है यू क्यू आर ट्रायंगल. इस ट्रायंगल में अगर यू 90 है, आपको क्यू निकालना है, आर 30 है, निकल आएगा ना. क्या करना है, 180 माइनस 120, 60 आंसर है. तो ये मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, आपको बस क्लिक करना चाहिए. तो हाँ, उतना आसान क्वेश्चन नहीं है स्नैप के अकॉर्डिंग, बिकॉज आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा. ऐसा क्वेश्चन कैट में भी आ सकता है, बट उतना टफ भी नहीं है. अगर आपको थोड़ा सा भी दिख गया, आपको बस दिखना क्या चाहिए, आपको बस दिखना चाहिए कि यूबी को ज्वाइन कर दिया हम और 60 की 30 वहां पे आ जाए, फिर आपको ट्राइंगल दिख जाए, राइट एंगल ट्राइंगल यू क्यू आर, इसमें एंगल यू आपका 90 डिग्री. इतना अगर दिख गया तो आपके लिए कुछ नहीं है क्वेश्चन का. तो नो डाउट क्वेश्चन अच्छा था, स्नैप लेवल का मैं थोड़ा सा ऊपर मान सकता हूँ स्नैप लेवल से, क्योंकि काफी बच्चे को ट्रैप में फंस जाएंगे. और ऐसे क्वेश्चंस में आपको टिप क्या दे रहा हूँ, अगर आपको 10 सेकंड में या 15 सेकंड में इसका क्लिक नहीं मिला तो इसको आपको लीव करना होगा. इसको अगर आप लीव नहीं करोगे तो आपका स्नैप 2023 हो जाएगा. ठीक है, यही होता है स्नैप, इसलिए बोल रहा हूँ 15 सेकंड में क्लिक किया तो ठीक, ज्यादा से ज्यादा आप बहुत ज्यादा ले लो 30 सेकंड ले लो. 30 सेकंड डेडलाइन है क्वेश्चन की, 30 सेकंड में अगर कुछ क्लिक नहीं हुआ सीधे छोड़ के आगे चले जाओ. गलती, और ये हमेशा बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन गलत आ गया था, बहुत इजी क्वेश्चन गलत आ गया था, उसका ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे थे लोगों को. उस क्वेश्चन में 4-4 मिनट चला गया, बॉल रिबाउंडिंग वाला क्वेश्चन.
सिंपल सा फॉर्मूला होता है एम प्लस एन इंटू एम अपॉन एम माइनस एन, यूट्यूब में कराया भी था ये फॉर्मूला, लगाया बच्चों ने, आंसर ही नहीं आया बिकॉज आंसर गलत थे उसमें ऑप्शंस, और बच्चे बार बार करते गए, कुछ बच्चों ने डेरिवेशन भी कर दिया। गैस गलती हो जाती है, तो आप अगर डैम श्योर आपको लगता है कि आंसर नहीं आ रहा तो आप छोड़ के आगे जाओ, क्योंकि 4 मिनट आपका लग गया क्वेश्चन बेकार है। आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गैस आपको, तो अच्छे से तैयारी करो गैस। अभी जो लोग स्नैप को बहुत ईजी समझ रहे हैं, ये बार लास्ट ईयर पेपर देखो कहीं से, आपको आइडिया रहेगा। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऑलमोस्ट कैट लेवल के थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कैट पे कैट का पेपर आता है, बट हाँ कुछ क्वेश्चन ट्रिकी भी आ जाते हैं गैस, आपको वर्स्ट टू वर्स्ट केस सिनेरियो पढ़ना पड़ेगा विद ऑल द वैरायटी। और दूसरी बात, किसी भी हाल में कोई भी चैप्टर को छोड़ने का सोचना मत, बहुत बड़ी गलती करोगे आप, सच बता रहा हूँ। आप अगर सोच रहे हो अर्थमेटिक से ज्यादा आएगा, ग्राफ से कम आएगा, कुछ भरोसा नहीं स्नैप का, 5 क्वेश्चन ग्राफ के दे देगा, 3 क्वेश्चन बायनोमियल के दे देगा, कुछ भी कर सकता है। इसलिए आपको हर चैप्टर को ढंग से पढ़ना पड़ेगा और हर चैप्टर की वैरायटी बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेगी अगर वाकई आपको स्नैप निकालना है। अगर आप वैरायटी पढ़ के जा रहे हो तो आराम से निकल जाएगा स्नैप। बाकी गाइस अगर आप स्ट्रक्चर में तैयारी करना चाहते हो देन यू कैन चेक आउट अवर एडवांस स्नैप का कोर्स। एनरोलमेंट इसके क्लोज होने वाले हैं गाइस, 1 सितंबर से बैच स्टार्ट हुआ था, नंबर्स कंप्लीट हुआ है, ज्योमेट्री चल रहा है, नंबर्स की टोटल मिला के 12 वीडियोज हुए। ज्यादा वीडियोज इसलिए होते हैं बिकॉज हम लोग सारे क्वेश्चन क्लास में ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम चाहते हैं आपको नया क्वेश्चन ना दिखे, ठीक है। और ज्योमेट्री मेंसुरेशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिला के कम से कम 15 क्लासें होंगी, ठीक है, क्योंकि गैस ये टफ क्वेश्चन होते नहीं देते, हर क्वेश्चन टफ नहीं होता बट वैरायटी देते हैं। और गैस क्योंकि टाइम कम है इसलिए हमने अर्थमेटिक और एल्जेब्रा की भी लाइव क्लास रिकॉर्डिंग फर्स्ट बैच की दे रखी है आपको, और उसका मैंने शेड्यूल दे दिया आपको विथ टेस्ट, क्या वो कैसे कवर करना है। जैसे आप लोग सोचते हो कि यार अर्थमेटिक का रिकॉर्डिंग जो है मेरे पास, हम कैसे कवर करें, तो आपको पूरा शेड्यूल मिला है, मैंने डेडलाइन दी है कैसे कैसे कवर करना है, और मैंने बताया कि ऐसे मान लो डेडलाइन उसकी 25th है, तो 26th को आपका टेस्ट होगा, ऐसा भी है ताकि आप अच्छे से पढ़ो। तो आपका गैस मेन मोटिव इस टाइम भी है कि आपको सारी वैरायटी कवर करनी है कम टाइम में, टाइम कम है काम ज्यादा है, और एक स्ट्रक्चर वे में पढ़ोगे तभी निकलेगा एग्जाम, वरना मटेरियल इकट्ठा करने से कुछ नहीं होगा। 5-6 PDF आ गई, खूब सारे वीडियोज आ गए, उससे कुछ नहीं होने वाला गैस। वो चीजें देखने में अच्छी लगती है खाली, कि बहुत सारा कंटेंट है एक्चुअली निकल नहीं पाता है कुछ, क्योंकि आपके पास ज्यादा कंटेंट होता है तो आप कंफ्यूज होते हैं। एक डिटेल्ड कंटेंट होना चाहिए वैरायटी के साथ, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हैफेजल वे में मत पढ़ो, पर गैस ढंग से पढ़ो, क्योंकि लोगों को देखा हमने ढंग से नहीं पढ़ते, 3-3 4-4 साल स्नैप ही देते हैं, ठीक है। बाकी गैस आपको खुद पता है रियलिटी एनमेड स्नैप के फॉर्म्स की, यू आर गोइंग टू पे क्लोज टू 30,000 एनमेड स्नैप फॉर्म्स, इतना पैसा लगाने वाले फॉर्म्स हैं कॉलेजेस के फॉर्म्स मिला के। एंड द कोर्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ एनमेड स्नैप कोर्सेस ओनली एंड ओनली 6,500 विथ GDPI एंड टेस्ट सीरीज फॉर एनमेड स्नैप। एनमेड स्नैप की अलग से टेस्ट सीरीज ही हम लोग 2,200 की है, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। आपका GDPI कोर्स जो दिसंबर में आएगा 3,000 का, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल कोर्स है, ढंग से करो, इन्वेस्ट वाइजली एंड गेट ब्रांडेड फॉर लाइफ गाइस। आपको ये वर्थ इट होगा टोटल, एक बार MBA कॉलेज में लिया ना, अच्छा आपको देखना कैसे ग्रो होते हो, ठीक है, बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट्स हो रहे हैं इस टाइम पे। ये देख सकते हो लास्ट ईयर रिजल्ट हम लोगों के स्नैप के, काफी अच्छे रिजल्ट थे गाइस, ये एनमैट रिजल्ट है गाइस। अगर आपको टेस्ट सीरीज लेनी है देन चेक आउट द मॉक्स, बहुत ज्यादा रिलेवेंट मॉक्स है स्नैप एनमैट के, 15 मॉक्स पैक, 1,299 का है सिर्फ। अगर आप कॉम्बो में जाते हो तो आपको कम पड़ेगा, इट विल बी 2,200 फॉर बोथ एनमैट स्नैप, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। लास्ट ईयर 1,500 से 1,600 लोगों ने एनमैट स्नैप के मॉक्स दिए थे मिला के, ठीक है, और ज्यादा ही थे बेसिकली, ठीक है गाइस। तो ये रिजल्ट्स वगैरह थे, कुछ रिव्यूज वगैरह थे, ठीक है, यू कैन चेक। ये CET का लास्ट ईयर का पढ़ा है, इस बार का तो और अच्छा है, ठीक है, इस बार का विषय डाला नहीं मैंने, ठीक है। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। नंबर भी यू कैन व्हाट्सएप या दिस नंबर, कोई इंक्वायरी हो आपको, आपको डेमो वीडियोस ब्रोशर वगैरह सब मिल जाएगा, यू कैन चेक, ठीक है। और स्ट्रक्चर में सारे एग्जाम्स दो, स्नैप एंड मैट, SRCC, टिस्नेट, SRCC, GBO, बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट्स में कर रहा है, मेरी बात हुई बच्चों से जो पढ़ रहे हैं, काफी अच्छा कर रहा है SRCC, GBO। काफी लोगों का अभी 5-6 लोगों का 23+ का पैकेज लगा है कोई XYZ कंपनी से, तो इसलिए बता रहा हूँ कि SRCC, GBO को हल्के मत तो उसको भी देना आप, 5 लाख फीस में और गेटिंग पैकेज ऑफ 10-11 लैक्स। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।